नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले में जारी दो आदेशों को आज किया गया निरस्त। धार जिले के मनावर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा 1 मई को पत्र क्रमांक 3724 से जारी आदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदेश जारी किया गया था कि ग्राम पंचायत धर्मपुरी, ग्राम पंचायत खलघाट के शवों को ही खलघाट शमशान घाट पर दाह संस्कार व अस्थि विसर्जन की अनुमति होगी। अन्य नगर क्षेत्र से आने वाले शवों को खलघाट शमशान घाट में दाह संस्कार व अस्थि विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। उक्त कार्य पर निगरानी रखने हेतु विकासखंड शिक्षा धर्मपुरी के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उक्त आदेश क्रमांक का मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद ट्राइबल वेलफेयर, जो कि शिक्षकों का संगठन है, ज्ञापन दिया गया। शिक्षकों को कोरोना वॉरियर घोषित किए जाने का ज्ञापन धार कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया था। उक्त आदेश को निरस्त करने के आदेश मनावर SDM राहुल चौहान के द्वारा देर शाम को जारी किए गए। दूसरा आदेश धार अपर कलेक्टर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 786, जिसमें अनुविभागीय दंडाधिकारी धार, सरदारपुर, मनावर, गंधवानी, धर्मपुरी, कुक्षी, डही, बदनावर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पास जारी करने संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में पत्र जारी किया गया था। उस पत्र में बिना पास के घूमते पाए जाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता था। उक्त आदेश को निरस्त करने संबंधित आदेश कुछ ही देर बाद निकाल दिए गए। देखें खबर SKP लाइव न्यूज़ पर।